हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा इशू को हैंडल करने वाले हैं, जो कि है एक रिमोट लोकेशन। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आता है, ऑलमोस्ट एवरीडे 2 से 3 इंक्वायरी आती है मेरे पास में, जिसमें आपको कोई फार्म हाउस में, आपके कोई खेत में, कोई ऐसे रिमोट लोकेशन में एक कैमरा लगाना है, पर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं दे सकते हो। वहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस बड़ा है, फील्ड बड़ा है, तो आप पूछते हो कि कोई सोलार बेस्ड ऑप्शन है कि नहीं है। तो सोलार बेस्ड कैमरास काफ़ी अवेलेबल है मार्केट में, किसी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, किसी का ब्रांड अच्छा नहीं है, तो ये सब सोल्यूशन मैं कभी क्लाइंट को दिया नहीं। मैंने कहा अभी अच्छे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ को लेते मैं काफ़ी कंसर्न था, काफ़ी मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, फिर मैंने एक सेटअप रेडी किया है जिसमें मैं एक अच्छा ब्रांड का सोलर पैनल लेता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करता हूं अपने कैमरे के आउटपुट में, और उसमें अगर मैं चाहूं एक वाईफाई राउटर भी लगा सकता हूं, 4G राउटर लगा सकता हूं, जिसका पावर भी सोलर पावर से मिल जाएगा, और पूरा का पूरा सेटअप जो है अपना एक स्टैंड अलोन सेटअप हो जाएगा, जहां पे आप अपना कैमरा कनेक्ट करोगे जिसका पावर सोलर से आएगा, वाईफाई राउटर कनेक्ट करोगे जिसका पावर सोलर से आएगा, और कैमरा आपका फ़ोन में 24/7 आप लाइव देख पाओगे। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं चैनल इंट्रो के बाद। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, चैनल में एक गिव अवे चल रहा है जिसमें मैं इजीविस का C1C का कैमरा गिव अवे कर रहा हूं। इसका MRP है 5,200 रुपीज। ये एक वाईफाई बेस्ड कैमरा है, काफ़ी अच्छा मॉडल है ये, 1 मेगापिक्सल क्वालिटी IP में देखने को मिल रहा है आपको, जिसमें फ्री में दे रहा हूँ, गिव अवे भी चल रहा है। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके कुछ बेसिक स्टेप्स से वो कंप्लीट कर दीजिए, अपना एंट्री कंप्लीट कर दीजिए। जब लकी विनर अनाउंस होगा इंस्टाग्राम में बताऊँगा, तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको एक कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइज जो मैं अपना सोलर पैनल यूज़ कर रहा हूँ, ये 50 वाट का है, ये कंपनी है लूम सोलर, ये इंडियन कंपनी है, फरीदाबाद में बेस्ड है, काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज में, काफ़ी अच्छा क्वालिटी इसका। इसको मैं अनबॉक्स करूँगा, आपको सब कुछ दिखाऊँगा कैसे कनेक्ट करना है। इसको मैं जो कैमरा कनेक्ट कर दिखाऊँगा, जैसे मैंने C1C दिखाया था आपको, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये TY1 है, 360 इसको घुमा सकते हो, 2-way ऑडियो है, ऑटो ट्रैकिंग है इसमें, रात को कोई मोशन होता है उस मोशन को ये ट्रैक करता है। इस कैमरा को मैं कनेक्ट करूँगा इस सोलर पैनल से, लेकिन वो करने के लिए मेरे को इसमें एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो इसका DC आउटपुट को AC में यूज़ करेगा। तो छोटा सा एक कन्वर्टर है, इसको भी मैं कनेक्ट करूँगा। और आप सोच रहे हो कि अगर मैं कनेक्ट कर दूं और रात को जब इसका इंटेंसिटी कम हो जाए तो बैटरी बैकअप कहाँ से आएगा, उसका भी एक प्रोविज़न है। आप एक पावर बैंक रख सकते हो, नहीं तो आपको एक सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा, वो भी ले सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव सेटअप हो जाता है, बट वो अच्छा सेटअप है डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको एक सस्ता और टिकाऊ सेटअप चाहिए तो अच्छा ब्रांड का एक पावर बैंक ले लीजिए, इसी से आपका कैमरा कनेक्ट होगा, इसी से आपका जो राउटर है वो भी इसे कनेक्ट होगा, और इसका पावर आप डायरेक्टली इससे लीजिए, दिन भर ये चार्ज होते रहेगा, रात भर इससे कैमरा वो चलते रहेगा। और जैसे कि एक राउटर है, तो आप कोई भी 4G राउटर ले लीजिए, 3500-3000 रुपये तक में मिल जाएगा आपको। तो ये सेटअप को मैं एक साथ कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप समझ पाओगे कि इसका यूज़ आप कहाँ का कर सकते हो, आप किस पर्पज़ में इसको आप लगा सकते हो। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, ये कंपनी से जब ऑर्डर आप करते हो ऐसे ही पैकिंग होके आती है, प्रॉपर बबल रैप में रैप होके आती है ये। तो सबसे पहले हम लोग अपना पैनल को अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसी से अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है इसी से जनरेट होती है। एंड ये कंपनी के बारे में बताऊँ अगर, तो ये इंडियन कंपनी है, फरीदाबाद में इनका ऑफिस है, इनका प्राइसिंग काफ़ी डिसेंट रहता है, और भी अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है आपको प्राइसिंग को लेके। तो CCTV में क्या होता है, आपका डिमांड उतना हाई नहीं रहता पावर कंजम्पशन का। इसका छोटा वाला वेरिएंट भी है अवेलेबल, वो भी आप चाहो तो ले सकते हो, उससे भी अपना कैमरा चल पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा हाई एंड लेने से क्या होता है, आप इसमें और एप्लीकेशन, जैसे मैं इसमें एक पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूँ, और पावर बैंक से मैं दो चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, एक कैमरा को और एक
वाईफाई अडाप्टर को, उसके लिए बेसिकली मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा ही सिस्टम दीजिए ताकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिले। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इन लोग पैकेजिंग करके देते हैं। तो गाइज ये रहा अपना पैकेज आपके सामने। अगर स्पेसिफिकेशन बताऊं मैं तो इसका ये है 50 वाट का अपना मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पावर है, ये सोलर पैनल है। ये इसका वेट 3 kg का है। इसका MRP है 4500 रुपया, लेकिन इसका जो लेटेस्ट प्राइस रहेगा मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप उससे भी क्लिक करके देख सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो वो भी इसको ब्राउज कर सकते हो। इसका देखिए सीरियल नंबर भी दिया हुआ है, इसके अगेंस्ट में आप वारंटी वगैरह भी जो है क्लेम कर सकते हो। एंड इसका आगे से दिखाऊं, अगर आगे में लिखा हुआ है लूम सोलर इंडियाज़ नंबर 1 मोनो पैनल मैन्युफैक्चरर। इनका बहुत बड़ा यूनिट एक्चुअली में फरीदाबाद में, आप अगर दिल्ली साइड से हो तो आप विजिट भी कर सकते हो। तो इसको खोलने में मेरे को सनी भैया का हेल्प लगेगा, मैं ट्राई करता हूँ अकेले खोलने का इसको। चलो मैं खोल लिया इसको अकेले। तो गाइज ये रहा अपना सोलर पैनल, इसका साइज देखिए 50 वॉट का है ये, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। इसका जो सबसे मेन होता है सोलर पैनल का जो फ्रेमिंग है वो बढ़िया होना चाहिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो सके, और कोई डैमेजेस वगैरह कुछ भी नहीं है पूरे पैनल में। अगर पीछे से आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए, इसमें आप देखिए यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है सोलर सेल मॉड्यूल टेस्टर। इन्होंने इसका टेस्ट करके उसका एक रिपोर्ट यहाँ पर दे रखा है। ये इसका स्पेसिफिकेशंस है, कितना वाट में क्या है नहीं है। ये इसका इन आउटपुट है प्लस माइनस का, इसको भी खोल के दिखाऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक मॉड्यूल है जो इसका वारंटी कार्ड का भी काम करेगा, प्लस इसमें आप बेसिक नॉलेज भी इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको खोल देता हूँ। तो ये अपना जो मॉड्यूल है ये निकला है अभी, इसमें लिखा है कि दिस इज़ अ वारंटी कार्ड। यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर सब दे के आप वो भी एंट्री कर सकते हो, ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है अगर अब्यूज़ होता है, लाइटनिंग होता है, फ्लड और डैमेज होता है, उसमें कवर नहीं होता है। बाद बाकी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, स्टैंडर्ड वारंटी कवर करता है। अगर मैं आपको इसका मैक्स पावर बताऊँ, 50 वाट का मैक्स पावर है इसमें। मैक्स पावर वोल्टेज अगर बताऊँ इसमें तो 20 वोल्ट तक का ये आउटपुट दे सकते हैं। जैसे आपका DVR को क्या चाहिए होता है, 12 वोल्ट चाहिए होता है, ऐसे कैमरा को कितना चाहिए होता है, 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये मैक्सिमम दे सकता है 20 वोल्ट। पावर जो है दे सकता है मैक्सिमम एम्पियर में है 2.51 एम्पियर चाहिए होता है। इस कैमरे को चाहिए आपका 1 एम्पियर, वो आराम से इससे हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करेंट 2.65 एम्पियर का देता है ये, ओपन सर्किट करेंट 22.5 वोल्ट का देता है, और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज जो है इसका वो 600 वोल्ट का है। ठीक है, ये इसका बेसिक जो है फाउंडेशन वो आपको बताया मैंने। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो यहाँ पे यूनिट है इसको हम लोग कैसे खोलते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है IP68। IP68 मतलब क्या हुआ है, IP रेटिंग। इसका अपना आईफोन, अपना सैमसंग का जो फ़ोन होता है कितना रेटिंग होता है, IP66, IP67। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें कितने मॉडल्स में IP68 है, लेकिन इस वाले में आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। जैसे मैं कहा था कंपनी ने काफ़ी R&D करके इस प्रोडक्ट को निकाला है। बहुत इजीली ये ढक्कन जो है खुल गया है। इसमें भी देखिए, जैसे फ़ोन में एक रबर का स्ट्रिप रहता है वो स्ट्रिप भी दिया है ताकि पानी को रोक सके, और अंदर में बेसिक प्लस माइनस का पॉइंट दे रखा है। इसको आप यहाँ से कट करके डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, या अपना नया तार भी इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो गाइज इस डेमो पर्पज़ के लिए जो इनबिल्ट इसमें इतना अच्छा केबल आ रखा है, मैं इसी को यूज़ करूँगा।
वरना आप चाहे तो इसको पूरा रिमूव करके अपना नया केबल भी डाल सकते हो, और इसका लेंथ वगैरह अपने हिसाब से भी ले सकते हो, या इसमें ज्वाइनिंग भी कर सकते हो आपके हिसाब से है, इसमें कोई इशू बोल के नहीं है। बस एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है डू नॉट डिसकनेक्ट और कनेक्ट अंडर लोड। इसका मतलब आपका जब अप्लाइंस आप जिसे कनेक्ट कर रहे हो वो ऑन या ऑफ, मतलब ऑन नहीं होना चाहिए, लोड में ऑन, वो ऑफ करके फिर इसको आप खोले मतलब कनेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा ये देखें यहाँ पे रेड रंग का एक स्ट्रिप दिया हुआ है, रेड रंग का मतलब ये प्लस हुआ, ब्लैक मतलब हुआ माइनस। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वरना आपका कनेक्शन उल्टा हो जाएगा और आपका आइटम जो है डैमेज भी हो सकता है। सबसे पहला बात इस गाइस, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसको स्ट्रिप करने में, काफ़ी अच्छा इंसुलेशन के साथ दिया हुआ है, और इसका जो थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा तार है, ये आप देख सकते हो इसका क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है, इतना मोटा तार आपको देखने को मिल रहा है ताकि ये लोड अगर हैवी लोड भी कोई दे दे तो ये तुरंत जो है डैमेज ना हो। इसी तरीके से जो नेगेटिव है उसको भी मैं स्ट्रिप कर देता हूँ। तो अभी आपने देखा हमने इसको स्ट्रिप कर दिया है, ये अपना जो कन्वर्टर है ये बेसिकली एसी डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, इसका मैक्सिमम आउटपुट 22.5 वोल्ट है, इसलिए मैंने 24 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट एसी इसको मैंने परचेस किया है, 600-700 में आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा। इसका भी प्लस माइनस देखिए सेम तरीके से दे रखा है, रेड और ब्लैक, रेड को आप रेड में कनेक्ट करोगे, ब्लैक को आप ब्लैक में कनेक्ट करोगे, इससे इसको जो डीसी पावर है वो मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से ऑन करोगे, ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको दो एसी का पॉइंट दिया हुआ है, एक में मैं अपना चाहूँ तो डायरेक्टली इसमें मैं कैमरा लगा सकता हूँ, एक वाईफाई लगा सकता हूँ, या फिर इसमें मैं अपना जैसे मान लीजिए मेरा पावर बैंक हुआ, पावर बैंक को मैं इसमें कनेक्ट कर दूँगा, इससे मैं अपना कैमरा कनेक्ट कर दूँगा, इसी से मैं मेरा जो वाईफाई अडेप्टर राउटर है 4G राउटर उसको भी कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी मैं आपको ये आउटडोर लेके जाता हूँ, मैं अपने टेरेस पे लेके चलता हूँ आपको, आप देख लीजिए कनेक्शन कैसा हो रहा है और इसका इन डेप्थ आप एक रिव्यू आप चेक कर लीजिए। तो गाइज अभी हम अपने टेरेस पे आ चुके हैं, बट ये दूसरा दिन शूट हुआ है क्योंकि उस दिन शूट के बाद एक क्लाइंट आ गए थे मेरे इंपॉर्टेंट, तो उनको अटेंड करना पड़ा था, तो अभी मैं नेक्स्ट डे हूँ मतलब, तो आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं टेरेस पे खड़ा हूँ अपने, एंड ये अपना सोलर पैनल है, मस्त धूप निकली हुई है, एंड बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जो अपना सोलर ये जो कन्वर्टर था इसको हम इसमें जोड़ देंगे। बेसिकली जैसे जो प्लस का वायर है अपना जिसमें रेड रंग का वायरिंग दे रखा है, इसको हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे। डीसी करंट है, एज सच कोई शॉर्ट सर्किट का इशू नहीं है, फिर भी आप प्रिकॉशन के लिए सेलो टेप और उसका जो है यूज़ कीजिएगा। इसको मैं डायरेक्टली हाथ से जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये डीसी करंट है, एसी नहीं है, और 24 वोल्ट है, उतना करंट का कोई सीन नहीं है, फिर भी आप सेफ्टी के लिए चाहे तो प्लास वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक टेप हमेशा मारेगा कभी भी आप इलेक्ट्रिक काम करें, ताकि आपका टच होके शॉर्ट ना हो जाए, हो सके शॉर्ट सर्किट ना हो लेकिन आपका मतलब आपको करंट ना लगे लेकिन शॉर्ट सर्किट होने का चांस हमेशा बना रहता है। देखिए बहुत इजीली कर रहा हूँ, बट एक चीज़ याद रखिए, मैंने शुरू में कहा था आपको लोड जो है वो ऑफ होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लोड शुड बी ऑफ। लोड में अगर आप ऑन रख के या कोई अप्लायंस भी ऑन रख के इसमें कनेक्ट करोगे, हो सकता है इसका जो फोटोवोल्टेक सेल्स है वो ख़राब हो सकता है, कंपनी ने जब बोला है तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मैंने अपना कनेक्शन जो है कंप्लीट किया है, बट कनेक्शन अभी ऑन नहीं है क्योंकि मैंने अभी लोड ऑफ कर रखा है, कोई करंट वगैरह का भी यहाँ पे डर नहीं मिलेगा आपको, बहुत इजीली जो है आप इसको देखिए कनेक्ट कर दिया है मैंने, बहुत सिंपली ये कनेक्शन हो गया है। तो अभी आप देखिए अपना ये कनेक्शन हो गया है, इसके बाद आप क्या करोगे, अपना कैमरा लोगे, ठीक है, कैमरा लोगे और अपना पावर बैंक को लोगे। पावर बैंक का काम है मान लीजिए आपको बैकअप देना है कि जब सन का पावर डाउन हो, इंटेंसिटी कम हो, इसी से इसका पावर बैकअप मिल लें और दिन भर में ये चार्ज हो जाए, फुल चार्ज हो जाए, जिससे आपका कैमरा भी आपका रात को अच्छे से काम करे। इसको कनेक्ट करने का बहुत बेसिक तरीका है, आप अपना पावर बैंक का चार्जर ले लीजिए, इसको देखिए पीछे में दो पोर्ट दे रखा है, कोई भी एक पोर्ट में इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और इससे इसमें आप देखिएगा यहाँ पे लाइट जलेगा, पता नहीं सन में दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, मैं आपको बता दूंगा। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ,
देखिए जैसे कनेक्ट किया हूँ पावर बैंक चार्ज होना शुरू हो चुका है, दिख रहा है कैमरा में? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लोजर शॉट भी दिखा दूंगा। इससे देखिए अपना ये जो है चार्ज हो रहा है। आप क्लोजअप ले लीजिए एक बार, जूम इन करके देखिए। जूम तो किया हुआ ही है। और आगे ले आइए कैमरा को, देखिए ब्लू रंग का जो है लाइट, देखिए ये अपना, हाँ देखिए 1 2 3 ये ब्लिंक अपना हो रहा है। इसका मतलब पावर बैंक को पावर अपना यहाँ से मिल गया है। अब आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट कर दोगे तो इस पावर एडाप्टर में डायरेक्टली एक यूएसबी का केबल दे रखा है मतलब पावर बैंक में, तो इजी हो जाता है। वरना नॉर्मल जो इसका फ्री में आता है, जो कंपनी फ्री में यूएसबी केबल देती है, उसको भी आप इसमें जैसे इस टाइप का फ्री का केबल होता है इसको थ्रू भी यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ भी कर सकते हो। अगर आप में फ्री आता है तो फ्री में भी आप इसको अरेंजली कर सकते हो। तो देखिए कैमरा मैंने रख दिया मान लीजिए, और ये अपना सेटअप है। इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट मान लीजिए कर देता हूँ। तो देखा आपने कैमरा जो है ऑटोमेटिकली बूटिंग हो गया इसका। एंड अब फिर अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन लेके अपना इजीविज ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसको ऐड करना होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोसेस है ये। एंड अगर आपने इस कैमरा के ऊपर वीडियो नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया कैमरा है, काफ़ी हॉट सेलिंग आइटम है ये। तो इजीविज ऐप को ओपन कीजिए, नॉर्मली इसको जैसे ऐड करते हो वैसे प्लस में जाकर क्लिक कीजिए, स्कैन कर लीजिए सर क्यूआर कोड को। स्कैन हो गया है, ठीक है, पावर ऑन है बोल रहा है, उसको हमने ऑन कर दिया है। वाईफाई के नज़दीक रहने बोला है, ब्लू लाइट है कि नहीं है, ब्लू लाइट फ्लैश कर रहा है। अपना इस वाईफाई का पासवर्ड देना है आपको, तो अभी तो मैं अपना ऑफिस का पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस मेरा ठीक नीचे है इसके, तो कनेक्शन आ रहा है। नहीं तो आप क्या करोगे, इसी में अपना 4G राउटर कनेक्ट करोगे, उससे अपना वाईफाई क्रिएट हो जाएगा और उसको इसमें आप फिट कर दोगे। प्रोसेस सेम रहेगा, बस वाईफाई देने का तरीका चेंज हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट किया, अब बोल रहा है अलाउ करने के लिए, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। और बस कुछ ही सेकंड में अपना कैमरा जो है चालू हो जाएगा। तो बिना कोई इलेक्ट्रिक पावर के मैंने अपने इस कैमरे को एक सोलर पैनल के थ्रू, एक पावर बैंक के थ्रू, ताकि मेरे को बैकअप भी मिल जाए और कैमरा भी अपना चल पड़े आराम से, वाईफाई का भी झमेला नहीं रहेगा। 4G राउटर ले लीजिए, उसमें कोई भी कंपनी का सिम डाल दीजिए, उसको इससे पावर दे दीजिए। 2 आउटपुट आपको दे रखा है, एंड नहीं भी देना है तो पावर बैंक से दे दीजिए, आपका वैसे भी काम हो जाएगा। और देखिए अपना कैमरा कॉन्फिगर होना स्टार्ट हो चुका है। जब तक कैमरा अपना चालू होता है आप प्लीज़ अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बनाने में। एंड आप लोग का थोड़ा सपोर्ट होने से हमें काफ़ी एक मोटिवेशन मिलता है। एंड आपको आइटम का कुछ भी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो व्हाट्सएप में आपको मेरा लिंक लीजिए मिल जाएगा, बताइए आपको। देखिए कैमरा अपना चालू हो चुका है, मैं आपको इसका क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अपना कैमरा लाइव चालू हो चुका है, वो रहे अपने प्यारे सनी भैया। देखिए कितना ब्लैक इमेज आ रहा है क्योंकि सन के टूवर्ड्स अभी फेस करके बैठे हुए हैं। पीछे सुमित है, सुमित हाय बोलो सबको। हाँ, और ये सनी भैया आपके सामने हैं, और ये रहा मैं आपके अंदर। तो आई होप आपको ये एक समझ में आया है पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। एंड अगले वीडियो तक मिलते हैं, अभी मैं आपको इसका एक समरी दे देता हूँ। तो गाइज आपने देखा कितने इजीली बहुत बेसिक काम करना पड़ा, कोई भी लोकल इलेक्ट्रिशियन, आप खुद भी अगर एक इंथ्यूजिस्ट हो खुद भी आप कर सकते हो एक सोलर पैनल से। इसका कॉस्ट आपको मैंने बताया है 2500 के आसपास का, ये वेबसाइट में लिस्टेड है, अप डाउन थोड़ा होते रहता है, आप चेक कर लीजिएगा लिंक में जाके। आपका एक इजीविज का कैमरा, इसका दाम है 3200 रुपया। और भी कैमराज है अपने पास में अवेलेबल, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली कोई भी वाईफाई कैमरा को इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। एक आपका ये सेटअप आता है, कन्वर्टर आता है, इसका दाम पड़ता है मोटा मोटी 600-700 रुपया, लोकल मार्केट में मिल जाएगा। मेरे से लेंगे तो आपको मैं 650 रुपया तक में दे दूंगा। और आप अगर चाहे तो पावर बैंक आप अपने पास है लोकल मार्केट से ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, मेरे से कहीं से भी आप ले सकते हो, ये सेटअप आप ले सकते हो। और एक 4G राउटर, मैंने तो 4G राउटर यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे ऑफिस में ऑलरेडी वाईफाई है, सेम चीज़ है 4G राउटर से। बेसिकली कैमरा को वाईफाई मिलने से मतलब है आप चाहे इससे दीजिए, चाहे आप अपने ऑफिस से दीजिए, घर से दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये आप इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ये टोटल सेटअप मोटा मोटी आप मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपये के आसपास में पड़ेगा, लेकिन आपका ये सेटअप में
आपका एक स्टैंड अलोन कैमरा लग जाएगा, आप कोई भी रिमोट लोकेशन में इसको फिट कर सकते हो और अपना इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो, कुछ सीखा आपने, कुछ समझा आपने, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।